100 में से 90 कमेंट्स तो ऐसे आते हैं कि लोग पूछते हैं कि दीदी आपका फेस इतना ग्लो क्यों करता है। जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था उससे पहले कि आप मेरी स्क्रीन देख लो और आज मेरी स्क्रीन देख लो इतना ग्लो करती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं, हल्का सा मैंने काजल और ये सब लगा रखा है और कुछ नहीं कर रखा है, ये आपको फिंगर्स में दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं है। तो सब लोग ना ऐसे पूछते हैं कि आपकी स्किन इतना ग्लो क्यों करती है, उसके कई रीजंस हैं जो कि मैं डेली 2-3 साल से फॉलो कर रही हूँ। आज मुझे ऐसे याद आया क्योंकि एक मेरी वीडियो बहुत वायरल हो गई, उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, ऐसा आप क्या यूज़ करते हो। एनो स्किन का ग्लो क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, चाहे आप काले हैं चाहे आप गोरे हैं, लेकिन आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आज इस वीडियो में बताऊंगी। मैं बताऊंगी सोने से पहले आपको ऐसे मसाज करनी है अपने फेस की, क्योंकि जब आप सोते हैं 8 या 9 आवर्स तो आपकी स्किन रिलैक्स होती है और जो मसाज करते हैं उसमें सारी कोशिकाएं जो सो रही हैं, दब रही हैं या फिर डेड हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है ओवरनाइट और आपका ग्लो आने लगता है। बट आपको ये सोने से पहले जरूर करना है, इससे मसाज करने से पहले सबसे पहले आपको फेस पे ऑयल लगा लेना है। आप गोले का तेल लगा सकते हैं, आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, आप जिस पे मसाज करना चाहें वो लगा सकते हैं, जिससे कि आपका फेस थोड़ा सा मसाज कर रहे हो तो रिलैक्स रहे, अच्छे से मसाज हो पाए, राइट। तो मैंने ऐसे लगा लिया है और इन टिप पे भी मैंने जो ये टिप है ना जिनसे हम ये मसाज ये करें, टिप बंद कर लेनी है और इससे अपने फोरहेड पे टॉप टू बॉटम ऐसे मसाज करनी है। ऐसे आप चाहो तो एक हैंड से भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, राइट, ऐसे आप एक हैंड से भी कर सकते हो, एक आप ये कर सकते हो। नंबर दो, आप ऐसे इंडेक्स फिंगर ले लीजिए और इंडेक्स फिंगर की मदद से ऐसे बॉटम टू टॉप ऐसे मसाज कीजिए, तो आपकी नोज की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी नस हैं, डेड स्किन है, वो सब खत्म होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके फेस की शेप भी अच्छी बनेगी, ये करनी चाहिए। फिर उसके बाद में फिर ऐसे ही लेना है और आपका बॉटम से टॉप की तरफ ऐसे चिक का मसाज करना है, ऐसे करके लेके जाओ और ऐसे स्टॉप कर लो, ऐसे लेके जाओ और ऐसे स्टॉप कर लो। देन उसके बाद आप एक ये इंडेक्स फिंगर ले लीजिए और इसकी मदद से ऐसे करके ऐसे सर्कल, ऐसे करके ऐसे सर्कल, तो आपके जो ब्लैक सर्कल्स हो जाते हैं, काले रोए हो जाते हैं, उनकी जिनको समस्या है, ये बहुत ही अमेजिंग इफेक्टिव एक्सरसाइज है आईज की, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा और काले जो रोए पड़ गए हैं, डेड स्किन्स हो गई हैं या यहाँ की सेल्स या कोशिकाएं मर गई हैं, उनको दोबारा से जनरेट करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा और आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके करना है, फिर ऐसे धीरे से यहाँ ले आना, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही करना है, फिर यहाँ से ऐसे लेके जाना है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके यहाँ पे भी 10 टाइम तक करना है, ये आप ऐसे करके आप 10 टाइम तक करो। सो गाइज, ये वाली एक्सरसाइज अगर आप फेस की करते हैं तो आपका दिन, एक तो आपका जो फेस है वो एक तो तरोताजा रहता है और आपकी डबल चिन नहीं आती, चिक लटकते नहीं हैं, आपके ग्लो करते हैं क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छा हो जाता है। हमारी स्किन कब ग्लो करती है, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये करने फिर देखिए आप इसका रिजल्ट और मुझे बताइए, क्योंकि जब ओवरनाइट आप नींद लेते हैं तो आपकी स्किन रिलैक्स करती है और जो आपने मसाज दी है वो आराम से वर्क करती है, और जिसकी वजह से आपको जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक अलग ही, जब धीरे धीरे करेंगे तो आपका फेस एक अलग ही लेवल से ग्लो करेगा। सो ये करके देखिए गाइज, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना इफेक्टिव लगा है। सो गाइज, आप मुझे बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए यस, अगर नहीं लग रहे हैं, आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज हमें सजेशन दीजिए कि दीदी आप
ये चेंज कर सकते हो, या फिर आप कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना के दीजिए। सो गाइज, अभी के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज अपने सगे संबंधियों में ये सारी ट्रिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।